दोस्तों आज के वीडियो में तीन ऐसी नेवर एंडिंग सेक्टर के बारे में बात करूंगा जिनका डिमांड कभी भी खत्म नहीं होने वाला। नंबर वन सेक्टर है कि आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में आप बीसीए बीटेक करके एनरोल कर सकते हो। दूसरा नंबर है बिजनेस सेक्टर, जैसे कि बीबीए बीकॉम, ये सारी डिग्री को लेके आप बिजनेस करियर में एंटर कर सकते हो। और तीन नंबर होता है हेल्थ केयर सेक्टर, जैसे कि नर्सिंग एमबीबीएस, और आज की वीडियो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जहाँ पे हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट लाइक बिजनेस दोनों कॉम्बाइंड है। तो आज की हॉस्पिटल मैनेजमेंट की वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कॉलेज कैसा है, कॉलेज का फीस कितना है, सारे चीज के बारे में, जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है। और दूसरी पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या काम करना पड़ता है यार, रियलिटी कैसा है, सच में जो दिखाया जाता वैसा ही क्या है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए, इन सारे चीज के बारे में। तो वीडियो के अंत तक देखिए, और वीडियो को एंगेजिंग बनाने के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना और एक कमेंट ठोक देना। वीडियो के फर्स्ट पार्ट है कि क्या एलिजिबिलिटी होता है। आपकी 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, अलोंग विद दैट आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं होगा 12th में तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं परस्यू कर पाएंगे। जो लोग अभी 9th-10th में है और सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में खुद का करियर बनाने के लिए, तो जरूर 11th-12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट को इंक्लूड कर लेना, वरना फ्यूचर में जाके हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं ले सकते हो। 12th के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट आप तीन तरीके से कर सकते हो। आप डिग्री कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो। पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैचलर कोर्स के बारे में, जैसे कि बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। आप बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर सकते हो। आप एमबीए भी कर सकते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, एमएससी इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, एमफिल इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हो, पीएचडी वगैरह कर सकते हो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। दूसरा चीज है कि डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो एक दो साल का ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर ही आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में वो लोग पढ़ाते हैं। आप अगर हायर स्टडी में बिलीव रखते हो तो आप मास्टर्स भी कर सकते हो, और भी हायर स्टडी में अगर आप बिलीव रखते हो तो पीएचडी भी आप कर सकते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। कॉलेज एंड कॉलेज का फीस कैसा होता है, कॉलेज लगभग पूरी इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, कॉलेज के बारे में मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि कोई कॉलेज मुझे पैसा नहीं देता। कॉलेज के बारे में कुछ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप वो गूगल करके खुद कहाँ पे पढ़ना चाहते हो वो सब आपको डिटेल खुद ही निकाल लो, और कॉलेज का फीस भी अकॉर्डिंग टू कॉलेज होता है। आप जैसे कॉलेज में जाओगे वैसा ही आपका फीस होता है, इसलिए मैं कोई कॉलेज रिकमेंड नहीं करूंगा, वो टास्क मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। अब वीडियो के सेकेंड पार्ट में आते हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का रियलिटी क्या है, क्या काम होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट करोगे तो आपको क्या क्या चीज के बारे में नोटिस रखना चाहिए। फर्स्ट चीज है कि आपको डे बाय डे वर्क प्रोसेस को मैनेज करना आना चाहिए। डेली का जो काम होता है उनका जो प्रोसेस होता है उसको आपको अच्छे से मैनेज करना चाहिए। आपको कैसा ट्रांजेक्शन होता है वो सबको आपको टैली करना आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको स्ट्रैटेजी भी बनाना आना चाहिए कि कैसे आपका हॉस्पिटल काम करेगा, किस तरीके से काम करने से आपका काम बहुत ही स्मूथली होगा, वो सारे स्ट्रैटेजीज आपको बनाना। उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो मशीनरी होते हैं हॉस्पिटल में, उन सबको आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए। वो सारे मशीनरीज कैसे काम कर रहे हैं उन सब के बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए। उसके साथ ही एम्प्लॉयज भी कैसे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज का भी आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट, जो वहाँ पे नर्स, जो वहाँ पे डॉक्टर्स काम करते हैं, उन लोगों को आप मैनेज करोगे। और जो मैनेजर का काम होता है, जैसे कि आपको फाइनेंस को मैनेज करना होता है, डे बाय डे जो ट्रांजेक्शन होता है, जो अकाउंट्स होते हैं, उन सारे चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ता है। और जो बजटिंग होता है, जो फंड, अगर आप फंड रेज करना चाहते हो, आपका सेक्टर को आप बढ़ाना चाहते हो, तो फंड रेज का भी काम करते हैं ये लोग। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं ये लोग, अगर कोई पेशेंट का इंश्योरेंस रहता है और वो क्लेम करना चाहते हैं उस इंश्योरेंस के बारे में, तो उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके पेशेंट का क्लेम को 100% सक्सेसफुल करना, इन सारे चीज को मैनेज करना होता है बेसिकली एक हॉस्पिटल मैनेजर का काम। उसके अलावा होता है कम्युनिकेट विद डॉक्टर्स, डॉक्टर लोगों का क्या डिमांड है क्योंकि वो लोग तो काम करते हैं वहाँ पे, उन लोगों के सैलरीज कैसा होना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है डॉक्टर्स लोगों का, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं, स्पेशलिस्ट जो लोग आते हैं डॉक्टर्स, उन लोगों को कैसे ट्रीट करना है, कैसा माहौल रखना चाहिए उन लोगों के लिए। उसके अलावा नर्स जो काम करते हैं उन लोगों में कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं, लाइक जो एचआर मैनेजर का काम होता है उन लोगों में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, उन सब चीज़ को भी देखना होता है कि हॉस्पिटल मैनेजर का काम। उसके अलावा भी बहुत सारे काम एक हॉस्पिटल मैनेजर करते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के बारे में अवेयर करना लोगों को, गाँव में जाके, शहर में जाके कैंपेन करना, और बहुत सारे इवेंट्स करना, जिन इवेंट्स में वो लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लेके आते हैं और उनसे बात कराते हैं, जो उस हॉस्पिटल का मार्केटिंग में बहुत बड़ा एक पार्ट बनता है। एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन सारे चीज के बारे में बहुत ही अच्छी से नॉलेज रखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी स्किल्स के बारे में एक हॉस्पिटल मैनेजर को जानना चाहिए। नंबर वन स्किल है कि सर्विंग पेशेंट।
अगर आपके अंदर किसी को सर्व करने की इच्छा नहीं होगा तो आप एक हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको बहुत ही ज्यादा काइंड रहना पड़ता है, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा कंपैशन रखना पड़ता है लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग अपने आखिरी उम्मीद लेके आपके पास आते हैं। और आप अगर उन लोगों को अच्छी से ट्रीट नहीं करोगे, अच्छी से सर्व नहीं करोगे, पहले तो सबसे ज्यादा आपको रिग्रेट होगा खुद को इंसान मानने के लिए। सेकेंड स्किल है कि गुड कम्युनिकेशन, आपको बहुत ही अच्छी से बातचीत करना आना चाहिए। लाइक आप डायरेक्टली पेशेंट के साथ बात नहीं करोगे या उनके घर वालों के साथ भी बात नहीं करोगे, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन लोगों को आपको बहुत ही अच्छी से पोलाइटली कम्युनिकेट करना आना चाहिए उन लोगों के साथ। साथ ही साथ आपको तीन नंबर स्किल, एक अच्छी खासी लीडरशिप खुद को बिल्ड करना आना चाहिए। आपकी एक डिसीजन पे, एक जुबान पे बहुत सारे लोग एग्री हो जाए और आपकी डायरेक्शन होने जाए, आपकी गाइड होने जाए, लोग काम करते रहे, एक बहुत ही बड़ी लीडर का पहचान होती है। लीडरशिप स्किल दो चीज ऊपर डिपेंडेंट होती है, एक है आपका कॉन्फिडेंस और एक है आपका एक्सपीरियंस। दोनों के साथ अगर आपका माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट कंबाइन हो जाता है, आप बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, आप बहुत दूर तक किसी चीज के बारे में देख सकते हो, बहुत ही दूर फ्यूचर एक प्लान कर सकते हो, तो आप बहुत ही बढ़िया लीडर बन पाओगे। अनदर वन स्किल इज की डाटा एनालिसिस, मतलब आपको डेटा को कैसे एनालाइज करना है वो स्किल आपको सीखना पड़ेगा, जो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट जब सीखोगे तभी वो लोग आपको सिखाएंगे। लाइक गूगल शीट या एक्सेल में बहुत सारे डेटास होती हैं, उनको कैसे एनालाइज करना है, उस एनालाइज करके क्या स्ट्रेटजी बनाना है, वो सब चीज़ वो लोग आपको सिखाएंगे। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप सिर्फ एक चीज को चेकआउट करते जाओ वीडियो को देखने के दौरान, क्या आपका पैशन, क्या आपका इंटरेस्ट इन सारे टॉपिक्स में फिट रहती है, क्या आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है इन सारे बात को सुन के। अगर आंसर यस होता है तो आप जरूर इस करियर में बहुत अच्छी से बहुत आगे जा सकते हो। अनदर वन स्किल इज की मैनेजरियल स्किल, नाम ही है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आपको मैनेजरियल स्किल को तो आना ही चाहिए। आपको राइट लोगों को हायर करके राइट काम करवा के लेना और राइट काम के लिए उन लोगों को प्लेस कर देना, ये होता है कि मैनेजर का सबसे बड़ी काम। उसके अलावा ऐसा प्रिंसिपल बना देना कि कोई भी प्रॉब्लम आए सब प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा बहुत ही इजीली, इस काम को भी एक मैनेजर निभाते हैं। अनदर वन मैनेजर का पॉइंट होता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट, लाइक हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाता है, उसको कैसे, कोई भी डैमेज ना हो फिर भी उस काम को कैसे सलूशन निकालना होता है, वो होता है एक गुड मैनेजर का काम। और लास्ट पॉइंट तो रहता है कि बिजनेस स्किल, मतलब अल्टीमेटली आप जो भी कर रहे हो सब कुछ बिजनेस के लिए कर रहे हो, और इस बिजनेस का एक ही मोटो होता है कि आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। फिर भी बिजनेस तो रहता है बिजनेस के जैसा ही, आपको प्रॉफिट कमाना एक मेन मुद्दा होता है। इस जगह पे थोड़ा सा बिजनेस माइंड को कम करके लोगों को सर्व करना, आई थिंक ये सबसे बड़ी एक क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, जो एक अच्छी इंसान की निशानी है। तो भाई साहब पैकेज कैसा होता है, पैकेज तो आपको बहुत ही अच्छा मिल ही जाता है, 35,000 से लेकर 40,000 तक आपका पैकेज हो सकता है मंथली पैकेज, अगर आप एक फ्रेशर हो तो। अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं आपका कुछ साल का, तो आपका 60,000-70,000 तक भी हो सकता है आपका मंथली पैकेज। एक बात बहुत ही पक्की है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो स्कोप है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा है स्कोप। अगर आपको हॉस्पिटल सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप इजीली जा सकते हो, बहुत ही अच्छी स्कोप है, स्कोप कभी भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि लोगों का बीमारी कभी भी खत्म नहीं होने वाला। दुनिया जितने दिन रहेगी, लोग जितने दिन रहेगा, उतने दिन ही आपको बीमारी आएगा ही आएगा। लोग हैं तो बीमारी है, और बीमारी अगर होगा तो इलाज भी होगा, और अगर इलाज भी होगा तो हॉस्पिटल भी रहेगा, और हॉस्पिटल रहेगा तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे हम लोग कंटेंट बनाते हैं। आप कैसे पार्ट टाइम घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करोगे, इसके बारे में हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। और थोड़ा थोड़ा करके सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। जितना एक्सेसिबिलिटी, जितना नॉलेज मेरे पास है अभी, मैं सब कुछ ही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप हॉस्पिटल में ही खुद का करियर बनाना चाहते हो, अगर आप नर्सिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो मेरे नर्सिंग वाले वीडियो को जरूर देखना, मैं कहीं पे दे दूंगा। और अगर आप बिजनेस सेक्टर में जाना चाहते हो तो बीबीए का वीडियो जरूर देखना, बीबीए बीकॉम के मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। और अगर आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हो तो बीसीए बीटेक को लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो। तो इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद।